अच्छे हार्डवेयर और कम दाम वाले स्मार्टफोन की वजह से शाओमी आज भारत में सबसे मशहूर ब्रांड बन गया है। नई दिल्ली में हुए आज के इवेंट में शाओमी ने दो नए स्मार्टफोन और अपना स्मार्ट टीवी पेश किया। रेडमी नोट 4 की अपार सफलता के बाद रेडमी नोट 5 और नोट 5 प्रो इन दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। रेडमी नोट 5 बजट रेडमी सीरीज में आने वाला यह नया नोट 5 स्मार्टफोन सीरीज का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 18:9 डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो देखने के लिए मिलता है। आकर्षित करने वाली डिजाइन के साथ इस स्मार्टफोन में आपको पुराना प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 दिया गया है, जो एक खराब बात है ऐसा हम कह सकते हैं। नई डिस्प्ले के अलावा इस फोन में खास कुछ खास हार्डवेयर अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिलता है। Redmi Note 5 Pro। भारत में इस फोन को ग्लोबली लॉन्च किया गया है और यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है जो स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ आता है। Redmi Note 4 के साथ परफॉर्मेंस की अगर तुलना करें तो करीब 59% ज्यादा तेज है नया नोट 5 प्रो। Xiaomi द्वारा इस फोन को कैमरा बीस्ट स्मार्टफोन का टैग दिया गया है, तो जाहिर है कि फोटोग्राफी के लिए आपको और बेहतर कैमरा देखने के लिए मिलते हैं। सेल्फी कैमरा को इस बार काफी अपग्रेड किया गया है, जो इस फोन की एक अच्छी बात है। मी टीवी 4। पिछले साल चाइना में इस टीवी को Xiaomi द्वारा लॉन्च किया गया था। चाइना में मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद Xiaomi ने यह टीवी भारत में आज लॉन्च किया। 4.9 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आने वाला यह स्मार्ट टीवी दुनिया का सबसे पतला टीवी है। 4K HDR डिस्प्ले पैनल, 2 GB रैम और 8 GB स्टोरेज जैसे हार्डवेयर इस स्मार्ट टीवी में दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें नई ऑपरेटिंग सिस्टम पैचवाल दी गई है, जो आपके टीवी के अनुभव को और अच्छा बनाती है। बताए गए तीनों प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट मी कॉम और ऑफलाइन मी होम से खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन के साथ ही करीब 2,200 रुपयों तक की ऑफर जियो द्वारा भी इस फोन पर दी जा रही हैं। फ्लिपकार्ट और मी कॉम पर इस फोन का पहला सेल 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे रहेगा। शाओमी के नए प्रोडक्ट्स को आप आने वाले दिनों में ऑफलाइन रिटेलर से भी खरीद पाएंगे।